शहर के नंदनवन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने मानसिक रूप से बीमार अपनी बहन की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मृतक के एक ट्रेन हादसे में दोनों पैर कट गए थे, जिसके चलते आरोपी को बहन के काम करने पड़ते, जिससे त्रस्त आकर आरोपी ने बहन को गुस्से में पीटकर उसकी जान ही ले ली। जानकारी के मुताबिक मृतक बहन का नाम खुशी किरण चौधरी, उम्र 38 वर्ष, पडोली नगर निवासी और आरोपी सूरज लक्ष्मण राव रक्षक, उम्र 45 वर्ष है। सूरज मजदूरी का काम करता था। कुछ दिन पहले खुशी गोंदिया में ट्रेन से गिर गई और उसके दोनों पैर कट गए। उसके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था, इसलिए सूरज को उसकी पूरी सेवा करनी पड़ती थी। उसे दर्द हो रहा था और वो दुखी थी। सूरज थका हुआ अपने काम से लौटा था। बुधवार रात उनके बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई और गुस्से में आकर सूरज ने अपनी बहन के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे बुरी तरह जख्मी होकर उसकी मौत। तो भी मैं अपने बहन को छोटे से लेके बड़ा किया और मैं जुझा भाव करता नहीं, मैं हूँ धंधे वाला आदमी। वो उसका भाई था, दूसरी माँ का लड़का। उसकी ताकत नहीं हुई थी कि बाल बच्चे अपना बहन को पालने की और दवा लगाने की करके उसने त्रास के कारण उसने मारा। ये पता नहीं मेरे को तो नहीं, मेरे को कम से कम मेरे मोबाइल में फ़ोन आया 9:25 को। मेरे को बड़े बड़े भाई के लड़के आए थे, उन्होंने देखे, फ़ोटो निकाले, सब कुछ निकाले, क्या क्या है, अभी यहाँ पर लाख लगा दिया, अभी यहाँ पर लाश ला रहा हूँ। मोना संजय रक्षक, मोना लक्ष्मण रक्षक, वो यहाँ से यरुंडर जड़गांव जिला, यहाँ पर मैंने दिया था। वहाँ पर माँ बाप के सामने मैंने कबूल नहीं किया था, उन लोगों ने जबरदस्ती शादी की है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसके वो तीन बच्ची की माँ हो गई थी। तीसरा जो लड़का था उसके सर में, उन्हें डिलीवरी के अंदर उसके सर में वो हवा घुस गई, तो उस कारण वो मेंटेनेंस हो गई। काफ़ी प्रयत्न किया मैंने, मेरे से जमा नहीं, तो मैंने बोला अब बेटा क्या मैं करूँ, माँ गई बाप गया, मैं क्या करूँ। हमले में मृतक के मुंह और नाक पर गंभीर चोटें आई, वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। उसी समय सूरज का सौतेला भतीजा पीयूष रक्षक वहां आया और उसी समय सूरज अपनी बहन को पीट रहा था। भतीजे ने पूछा तो सूरज वहां से चला गया, लेकिन खुशी बेहोश हो गई। भतीजे ने पुलिस को सूचना दी, उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नंदनवन थाने में पीयूष की दी गई शिकायत पर सूरज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमको कॉल आया था बीट मार्शल को कि कुछ पडोले नगर का, तो हमारा बीट मार्शल उस जगह पर पहुंचा, तो बीट मार्शल ने देखा कि एक औरत बेड पर निश्चित पड़ी हुई थी, तो उसने तुरंत हमको फ़ोन द्वारे माहिती दिया। तो घटना का गंभीर लक्षण ध्यान में लेते हुए तुरंत डीओ और हमारा स्टाफ और वहाँ पर भेजा गया। तो भेजने के बाद में ये कंफर्म हो गया था कि वो जो औरत डेड हुई थी, तो तुरंत मैं खुद भी उस स्पॉट पे गया और हमारे स्टाफ को जो भी जानकारी मिली थी कि क्या वाकया हुआ था, तो वो महिला के बारे में जब जानकारी लिया तो वो एक मनोरुग्ण थी और साथ में उसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर थे और वो बेड रिडन थी, मतलब बेड पर ही उसका खाना और बाकी प्रातः विधि वगैरह सब बेड पर हो रहा था। और वो अपने एक भाई के साथ वहाँ पर रहती थी झोपड़े में, और वो भाई उसका सब कुछ करता था, रोज का खाना, उसको पानी वगैरह पिलाना वगैरह, और वो भी लेबर टाइप का आदमी था। तो उसने उसको उस भाई ने ही उसकी मारपीट के हत्या की है, ऐसी हमको प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली। तो तुरंत जैसे हमको वो बात मिलने जानकारी मिलने के बाद हमने उस आरोपी को ढूंढना चालू किया। तकरीबन 15 से 20 मिनट में उसका हमने ठिकाना ढूंढ लिया और उसको ताबड़तोब अटक करके पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। बाकी उसका और इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाड़ी उसके रिलेटिव वगैरह जो आसपास के थे उनको जानकारी दी। उस मनोरुग्ण महिला की उम्र तकरीबन 38 से 40 के दरमियान की है
और उसकी शादी हुई थी और उसका जो हस्बैंड है वो सालों पहले, 2-4 साल पहले ही उसको छोड़ के गया था। ये उसका मायका है और उसका हस्बैंड जो है वो जलगांव का रहने वाला है, एरंडोल जलगांव। उस आदमी को भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पर वाकया हुआ है और बॉडी अभी पीएम के लिए भेजी और आरोपी अरेस्ट करके हमने हमारा आगे का तपास शुरू किया। ये आरोपी का नाम है सूरज उर्फ बाल्या लक्ष्मण रक्षक। ये 2005 में मर्डर का आरोपी है और 2006 में कुछ 6 या 8 में 324 का एक गुना दाखिल है। बाद में इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है या किसी गुने में नहीं था। ये अभी लेबर टाइप की ज़िंदगी जी रहा था और फिनाल में किसी क्राइम में ये इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और बाकी आसपास के लोगों की जानकारी से ये अपनी बहन के देखभाल अकेला कर रहा था, इसको कोई मदद नहीं कर रहा था। ये हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसको कुछ सूझा नहीं और उस गुस्से के इसमें इसने ये काम कर दिया। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।